Hello everyone. In this video, I'm going to explain 8259 PIC, that is Programmable Interrupt Controller, ICW and OCW, that is Initialization Command Words and Operational Command Words. तो देखते हैं क्या है. तो सबसे पहले जानते हैं what is interrupt. Interrupt होता क्या है. Suppose आपके पास एक microprocessor है 8086 और एक दूसरा भी एक device है. अब यहाँ पे 8086 को जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है वो एक मेमोरी में स्टोर किया गया है एट लोकेशन XXC. तो उस प्रोग्राम को हम बोलेंगे मेन प्रोग्राम. सिमिलरली ये जो डिवाइस है उसे भी अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है और उसका जो प्रोग्राम है उसे बोलेंगे इंटरप्ट रूटीन. और वो जो प्रोग्राम है वो भी सेम मेमोरी में सेव किया है लेकिन कुछ किसी दूसरे मेमोरी लोकेशन पे, यानी एड्रेस डिफरेंट है, मेमोरी सेम है, मेमोरी एक ही है लेकिन ये XX लोकेशन पे सेव किया गया है और डिवाइस का जो प्रोग्राम है ये YY पे सेव किया गया है. अब 8086 जो है ये माइक्रो प्रोसेसर है एंड इट हैज एन एबिलिटी टू एग्जीक्यूट इट्स ओन प्रोग्राम. वो अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकता है लेकिन डिवाइस क्या है, डिवाइस ये इंटेलिजेंट नहीं है, इसके पास ब्रेन नहीं है तो इसलिए ये अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा. इस सिचुएशन में व्हाट डिवाइस विल डू, डिवाइस विल इंटरप्ट द 8086. मींस डिवाइस विल रिक्वेस्ट द 8086 टू एग्जीक्यूट इट्स प्रोग्राम. यानी डिवाइस 8086 को बोलेगा कि आप मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दो. और इसी सिचुएशन को बोलते हैं इंटरप्ट, क्योंकि डिवाइस क्या कर रहा है, 8086 को इंटरप्ट कर रहा है. तो एक सिचुएशन लेते हैं कि 8086 ये अपना मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, इसने इंस्ट्रक्शन 1, 2, 3 एग्जीक्यूट कर ली है और अभी एक इंस्ट्रक्शन 4 जो है करंटली एग्जीक्यूट कर रहा है. उसी बीच में अब डिवाइस को क्या करना है, अपना प्रोग्राम जो YY लोकेशन पे स्टोर किया गया है उसे एग्जीक्यूट करना है. तो डिवाइस क्या करेगा, इसको 8086 को इंटरप्ट लाइन पे ये सिग्नल भेज के इंटरप्ट करेगा. ये इंटरप्ट मैंने पहले भी कई बार पिन डायग्राम में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है. ये इंटरप्ट लाइन पे सिग्नल भेजेगा. जैसे ही 8086 ये इंटरप्ट रिसीव करता है तो 8086 क्या हो गया, अभी इंटरप्ट हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है. तो ये क्या करेगा, सबसे पहले अपना ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, जो भी करंट इंस्ट्रक्शन है उसे पहले कंप्लीट करना है. फिर ये जो अपना नॉर्मल लोकेशन पे ये जो प्रोग्राम सेव किया है ये छोड़ के ये न्यू लोकेशन पे इसका कंट्रोल चला जाएगा और 8086 विल नाउ स्टार्ट फेचिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम न्यू लोकेशन दैट इज YY. अब इसने अपना प्रोग्राम छोड़ दिया है और अब न्यू लोकेशन से ये इंस्ट्रक्शंस फेच करना शुरू कर देगा क्योंकि उसे अब ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करनी है. तो ये सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद अगेन अब क्या हुआ है, डिवाइस का काम हो गया है, उसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है. तो अब 8086 क्या करेगा, फिर से अपने प्रोग्राम पे वापस आएगा और फिर से अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा फ्रॉम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एंड इट विल कंटिन्यू एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स ओन प्रोग्राम. तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसे बोलते हैं इंटरप्ट. द एड्रेस वेयर इंटरप्ट सर्विस रूटीन इज सेव, यानी ये जो एड्रेस है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने YY लिखा है तो ये 8086 में 20-bit का एड्रेस होगा. तो ये जो इंटरप्ट रूटीन जहां पे सेव करते हैं उस एड्रेस को हम क्या बोलेंगे, तो उसे बोला जाता है वेक्टर एड्रेस और इंटरप्ट वेक्टर. रिमेंबर जिस मेमोरी एड्रेस पे, मेमोरी के जिस लोकेशन, क्योंकि दोनों प्रोग्राम एक ही मेमोरी में है, सेम मेमोरी है, ये कनेक्टेड है 8086 को और इसी मेमोरी में 86 का भी प्रोग्राम है, डिवाइस का भी प्रोग्राम है, लेकिन जहां पे हम लोग ये इंटरप्ट रूटीन सेव करते हैं उस एड्रेस को बोलेंगे वेक्टर एड्रेस और इंटरप्ट वेक्टर. 8086 के पास दो एक्सटर्नल इंटरप्ट्स है. कौन से है, तो ये एक INTR है और NMI है. ये एक्सटर्नल इंटरप्ट्स है. इसे एक्सटर्नल क्यों बोला जाता है, क्योंकि 8086 में ये हार्डवेयर पिंस है, IC है ना 8086, तो उसके ऊपर दो पिंस है, उस पिंस पे हम लोग सिग्नल अप्लाई कर सकते हैं फॉर इंटरप्टिंग द 8086. इसलिए ये हो गए इसके एक्सटर्नल इंटरप्ट. If more than one type of interrupts occur at a time, लेकिन अब आप एक सिचुएशन इमेजिन करो कि ये एक डिवाइस है, ये डिवाइस वन है, ये आपने कनेक्ट कर लिया INTR पिन को, फिर दूसरा डिवाइस हमने सपोज ये डिवाइस टू है आपका और ये डिवाइस टू आपने कनेक्ट कर लिया NMI को, यानी नॉन मास्केबल इंटरप्ट पिन को,
फिर आपको डिवाइस 3 भी कनेक्ट करना है, 4 भी कनेक्ट करना है, और इसके जैसे आपके पास कई डिवाइसेस है जो आपको 8086 को कनेक्ट करने हैं। तो उस सिचुएशन में 8086 के पास तो क्या है, सिर्फ दो ही हार्डवेयर इंटरप्ट्स है, दो ही एक्सटर्नल पिन्स है। तो ये अगर कैपेसिटी इंक्रीज करना है तो उसके साथ हम क्या कनेक्ट करते हैं, तो हम लोग कनेक्ट करते हैं 8259 इंटरप्ट कंट्रोलर आईसी। ये 8259 इंटरप्ट कंट्रोलर आईसी मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है किसी और वीडियो में, तो वो आपको ये वीडियो देखने से पहले देख लेनी चाहिए। तो अगर 8086 का इंटरप्टिंग कैपेबिलिटी इंप्रूव करना है, देन इन दैट केस वी कनेक्ट 8259 टू 8086 माइक्रो प्रोसेसर। अब ये जो 8259 है इसमें 3 रजिस्टर्स होते हैं, एक है इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर, इंटरप्ट मास रजिस्टर, और ये है इन सर्विस रजिस्टर। ये है इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर, ये है इंटरप्ट मास रजिस्टर है, और ये है इन सर्विस रजिस्टर। ये जाता है यहाँ से इंटरप्ट पिन, ये है उसका आउटपुट, और ये कनेक्टेड होता है आपके प्रोसेसर के साथ या माइक्रो प्रोसेसर के साथ। 8259 में ये डिफरेंट इनपुट पिन्स है, इसको बोलते हैं IR0, ये है पिन नंबर IR0 टू दिस इज IR7। तो ये हो गया IR0, IR1, IR2, IR3, और इस तरह से 18259 प्रोवाइड्स 8 पिन्स, और ये 8 पिन्स को अभी आप 8 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो that can interrupt this processor through 8259। अब यहाँ पे 8259 ये जो है इसमें ये मास्टर मोड में कनेक्ट किया गया है, यानी ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, सपोज दिस इज 8086, 8086 को सिर्फ एक ही 8259 कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे ये 8 इंटरप्ट पिंस मिलेगी जहां पे आप 8 इंटरप्ट डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन यू कैन कनेक्ट 8259 इन कैस्केड मोड, दैट मींस इन मास्टर स्लेव मोड, यानी आप इस एक पिन को यहाँ डिवाइस ना कनेक्ट करके और एक 8259 भी कनेक्ट कर सकते हो। यानी आप क्या करोगे, IR0 को डिवाइस ना कनेक्ट करके एक 8259 कनेक्ट करोगे, और फिर ये 8259 भी आपको 8 लाइंस प्रोवाइड करेगा, और उसके पिन्स को अब आप यहाँ पे डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से अभी आपने इंटरप्टिंग कैपेसिटी कितने से इंक्रीज कर ली है, तो 64 से इंक्रीज कर ली है। तो ये है कनेक्शंस इन मास्टर एंड स्लेव मोड, यानी वी आर कनेक्टिंग दिस स्लेव 8259 टू मास्टर 8259। ये भी मैंने 8259 के वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो ये है आपका मास्टर 8259 विच इज कनेक्टेड टू योर प्रोसेसर, और ये है स्लेव 8259, ये एक ही पिन के कनेक्शन है। ऐसे हर एक पिन को आपका 8259 कनेक्टेड होगा, और ये जो स्लेव 8259 है ये हर एक स्लेव को भी 8 इंटरप्ट पिन्स है IR0 टू IR7। अब 8259 में देयर आर कमांड वर्ड्स, तो वो जो कमांड वर्ड्स है यानी जो पूरे 8259 के वर्किंग फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करता है उसको बोलेंगे कमांड वर्ड या कंट्रोल वर्ड। और ये जो कमांड वर्ड है ये दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किए गए हैं, ये है एक इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड और दूसरा है ऑपरेशनल कमांड वर्ड्स। एक क्या है, इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड है, और दूसरा क्या है, ऑपरेशनल कमांड वर्ड है। अब सबसे पहले अब उसमें डिफरेंट इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड्स में है इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड 1, 2, 3, and 4, दैट मीन्स देर आर 4 इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड्स और देर आर 3 ऑपरेशनल कमांड वर्ड्स। तो ये सारे हम अभी वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड 1। अब ये इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड 1 क्या है, तो ये 8 बिट का रजिस्टर का फॉर्मेट है, और इस हर एक का बिट पोजीशन है, दैट मींस इट स्टार्ट्स फ्रॉम D0 टू D7। ये क्या है, बिट पोजीशन से, और हर एक बिट पोजीशन पे हमें कुछ ना कुछ डेटा एंटर करना है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो ये है इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड 1 का फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या बोलता है कि इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड 1 अगर हमें सेट करना है तो हमारा A0 पिन जो है माइक्रो प्रोसेसर का A0 पिन क्या होता है, एड्रेस पिन होता है,
8086 में 20 बिट का एड्रेस है फ्रॉम A0 टू A19, और अगर 8085 लेंगे तो 16 बिट का एड्रेस लाइन है A0 टू A15। तो उसका जो A0 पिन है, अगर हम माइक्रो कंट्रोलर को 8259 कनेक्ट कर रहे हैं तो माइक्रो कंट्रोलर में अलग एड्रेस लाइन से, तो हर एक का एड्रेस नंबर 00 नंबर का जो एड्रेस पिन है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब वन बाय वन देखते हैं इसका क्या मीनिंग है। सबसे पहले देखते हैं D0 पिन क्या बोलता है। D0 पिन पे लिखा है IC4। IC4 स्टैंड्स फॉर इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड 4। इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड 4। अगर यहाँ पे 0 है, अगर ये बिट 0 है, इसका मतलब इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड 4 जो है 8259 में, मैंने क्या बताया है कि आपके पास चार इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड है 1, 2, 3 और 4। तो अगर इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड 1 के रजिस्टर पैटर्न में अगर ये बिट 0 है तो इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड 4 की रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर ये बिट 1 है इसका मतलब इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड 4 की रिक्वायरमेंट है। अब जाते हैं नेक्स्ट बिट पोजीशन पे। नेक्स्ट बिट पोजीशन बोलता है इट इज सिंगल और मल्टीपल कंट्रोलर मोड। ये बिट है टू डिसाइड ऑन वेदर दैट 8259 इज ऑपरेटिंग इन सिंगल मोड और इन मल्टीपल कंट्रोलर मोड। मल्टीपल कंट्रोलर मींस इन कैस्केड मोड। जैसे कि मैंने बताया है मास्टर है और मास्टर को कई सारे स्लेव्स 8259 कनेक्ट किए गए हैं। तो अगर ये बिट 0 है, अगर यहाँ पे 0 एंटर है, इसका मतलब द मल्टीपल कंट्रोलर्स आर इन कैस्केड मोड, यानी 8259 इज ऑपरेटिंग इन मल्टीपल कंट्रोलर मोड और इन कैस्केड मोड। और अगर यहाँ पे 1 है, अगर ये 1 है तो ये इंडिकेट करता है कि सिर्फ एक ही, पूरा सिस्टम में सिर्फ एक ही 8259 है, कोई मास्टर नहीं है, कोई स्लेव नहीं है। तो ये अगर 0 है इसका मतलब मास्टर और स्लेव मोड में है, यानी मल्टीपल 8259 है सिस्टम में। और अगर यहाँ पे 1 है इसका मतलब 8259 सिंगल मोड में, यानी एक ही 8259 सिस्टम में अवेलेबल है। अब नेक्स्ट है ADI। ADI स्टैंड्स फॉर एड्रेस इंटरवल। इट इज यूज्ड ओनली इन 8085 नॉट फॉर 8086। अभी 8085 में यूज होता है, 8086 माइक्रो प्रोसेसर में ये नहीं यूज होगा। अब ये बिट अगर 0 है, ये बिट अगर 0 है तो ये क्या बोलते हैं, ISR। ISR स्टैंड्स फॉर इंटरप्ट सर्विस रूटीन। इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या है, वो एड्रेस जहाँ पे इंटरप्ट रूटीन सेव किया गया है। व्हाट इज इंटरप्ट सर्विस रूटीन, जो भी डिवाइस को अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है उसे क्या बोलते हैं, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। अगर ये बिट 0 है तो ये इंडिकेट करता है कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स आर 8 बाइट अपार्ट। इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स आर 8 बाइट अपार्ट, यानी 8 बाइट का डिस्टेंस है। यानी एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन अगर इस एड्रेस पे है 0200 पे, तो दूसरा कहाँ पे होगा, 0208 पे। और वही अगर ये बिट 1 है तो ये इंडिकेट करता है कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स जो है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन का जो एड्रेस है, दे आर 4 बाइट अपार्ट। यानी एक अगर होगा 0200 लोकेशन पे तो नेक्स्ट होगा 0204 लोकेशन पे। ये 16 बिट का एड्रेस है बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट 8085। 8085 में 16 बिट का ही एड्रेस होता है और 8086 के लिए तो ये यूज ही नहीं है फीचर। तो अगर ये बिट 0 है इसका मतलब इंटरप्ट सर्विस रूटीन, इंटरप्ट सर्विस रूटीन यानी डिवाइस का जो रूटीन है, जो प्रोग्राम है, वो कितना अपार्ट है, तो ये 8 बाइट अपार्ट है। और अगर 1 है तो वो 4 बाइट अपार्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये D4 हमेशा 1 रहेगा एज इट इज रिटर्न। कि D4 क्या है, 1 ही है। D5 क्या है, तो A5 एड्रेस बस है, एड्रेस पिन है ऑफ प्रोसेसर। A6 क्या है, D6 क्या है, तो A6 एड्रेस पिन है माइक्रोप्रोसेसर के। D7 क्या है, A7 एड्रेस पिन है। यानी देखो D4 टू D7 क्या है, तो A5 टू A7 एड्रेस रिप्रेजेंट करती है। ये भी सिर्फ 8085 में ही यूज होता है। 8085 में 16 बिट का एड्रेस होता है फ्रॉम A0 टू A15। A0 टू A15 में से तो A0 तो 0 हो गया,
टू थ्री फोर फाइव हमें अभी पता नहीं है, लेकिन फाइव सिक्स सेवन जो है ये क्या रहेंगे, ये यहाँ पे स्टोर रहेंगे, डी फाइव डी सिक्स एंड डी सेवन में स्टोर रहेंगे, यानी यहाँ पे एड्रेस रहेगा। इंटरप्ट सर्विस रूटीन एड्रेस लोअर बाइट सेगमेंट इन 8085 लोअर बाइट इज दिस। ओके नाउ नेक्स्ट, नाउ इन 8085 लोअर बाइट इज, जैसे कि मैंने बोला है 15 16 बिट का एड्रेस है, तो लोअर बाइट ऑब्वियसली होगा A0 टू A7, और उसमें से A7 A6 A5 कहाँ से आएंगे, तो ये बिट्स यहाँ से आएंगे, D5 D6 और D7 से लिए जाएंगे। A0 कहाँ से आएगा, A0 को कंटिन्यूसली 0 ही रखना है। अब नेक्स्ट क्या है, D3 LTIM किस लिए यूज होता है, लेवल ट्रिगर्ड इंटरप्ट मोड। अब ये इंटरप्ट करने के लिए, जैसे कि मैंने प्रीवियस डायग्राम में भेजा है, जब भी एक डिवाइस को, एक माइक्रोप्रोसेसर को इंटरप्ट करना होता है, तो वो वहाँ पे क्या है बोलता है, सिग्नल भेजता है। तो क्या सिग्नल भेजता है, क्या पल्स भेजता है, तो ये डिसाइड करेगा बिट की क्या उसको प्रोवाइड करना है। सपोज ये है आपका माइक्रोप्रोसेसर, और ये अगर है कोई डिवाइस, और ये है इंटरप्ट पिन इस माइक्रोप्रोसेसर की। सपोज ये है माइक्रोप्रोसेसर, ओके, एंड दिस इज योर डिवाइस, तो ये क्या बोलता है, लेवल ट्रिगर इंटरप्ट मोड। अगर ये जीरो है, अगर ये बिट जीरो है, तो ये एज ट्रिगर्ड होगा। एज ट्रिगर्ड होगा यानी अगर ये इस तरह का पल्स भेजता है, यहाँ पे अगर ये इस तरह का पल्स भेजता है, तो ये एज ट्रिगर्ड पे एक्टिवेट होगा, या तो राइजिंग एज पे होगा, या तो फॉलिंग एज पे, या तो फॉलिंग एज पे होगा, या तो फिर राइजिंग एज पे। ये अगर राइजिंग एज है, तो या तो राइजिंग एज पे ये ट्रिगर्ड होगा। और अगर ये बिट जीरो है, सॉरी वन है, तो ये लेवल में ट्रिगर्ड होगा। लेवल में यानी जब या तो ये कंप्लीट जीरो है, ड्यूरिंग दिस एक्टिवेट होगा, ड्यूरिंग दिस टाइम ये एक्टिवेट होगा, यानी ये सेंस करेगा इंटरप्ट, या तो ये लेवल पे, ये हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन कौन सा माइक्रोप्रोसेसर है। या तो हाई लेवल पे यानी ड्यूरिंग दिस टाइम ट्रिगर्ड होगा, या तो दिस टाइम पे ट्रिगर्ड होगा। फिर से बताती हूँ, ये अगर पल्स है, तो लेवल ट्रिगर्ड में कहाँ ट्रिगर्ड होगा माइक्रोप्रोसेसर, या तो यहाँ या तो यहाँ। और अगर जीरो है, जीरो है तो एज ट्रिगर्ड में, यानी यहाँ पे होगा। ये क्या है, फॉलिंग एज है, और ये क्या है, राइजिंग एज है, क्योंकि सिग्नल यहाँ से यहाँ रहा है, इसलिए ये राइजिंग है और ये फॉलिंग एज है, तो वो यहाँ पे ट्रिगर्ड होगा। अब देखते हैं इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड टू। क्या है इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड टू, तो लिखा है हायर बाइट ऑफ ISR एड्रेस इन 8085। अब हमने देखा है ये क्या है, लोअर एड्रेस। लोअर एड्रेस कहाँ से आया था, 8086 का जो 8085 में ही यूज होता है। तो ये जो लोअर एड्रेस है, जैसे कि लोअर एड्रेस में A0 क्या है, 0 है, और A5 A6 A7 इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड 1 से आया। अब यहाँ पे है इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड 2, और ये 8085 में यूज होता है। ये किस लिए, तो ये हायर एड्रेस देता है, यानी A8 टू A15 के जो बिट्स है वो कहाँ से आएंगे, तो इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड 2 से आएगा। एड्रेस कैसे जनरेट होगा, इंटरप्ट रूटीन एड्रेस, इंटरप्ट जो वेक्टर है जहाँ पे इंटरप्ट स्टोर किया गया है, उसका एड्रेस जनरेट करना है। तो वो एड्रेस कहाँ स्टोर होगा, तो इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड 2 में उसका हायर बाइट यहाँ पे है, देखिए A8 टू A15, और हायर बाइट जब फ्लो होगा तब A0 क्या होगा, 1 होगा। जब हायर बाइट फ्लो हो रहा है, जब यहाँ पे हायर बाइट स्टोर किया हुआ है इसमें, तब A0 1 होगा। और 8086 में क्या करता है, ये 8085 के लिए हो गया। और 8086 में क्या होता है, तो 8 बिट वेक्टर एड्रेस स्टोर करता है। क्या करता है, 8 बिट वेक्टर एड्रेस स्टोर करता है। अभी देखिए ये इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड किस लिए है। अब इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड ये दो मोड्स में यूज होता है, एक तो मास्टर मोड में अलग वर्ड होगा और स्लेव मोड में अलग होगा। यानी अगर 8259 ये मास्टर एंड स्लेव मोड में कनेक्ट किया जाए, यहाँ पे मास्टर है और यहाँ पे स्लेव है, तो उसके लिए इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड 3 जो है वो सेपरेट रहेगा। मास्टर के लिए इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड अलग रहेगा, और स्लेव के लिए इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड 3 डिफरेंट रहेगा। दोनों केस में जो A0 एड्रेस पिन है
प्रोसेसर की या माइक्रो कंट्रोलर की ये क्या रहेगी, हमेशा 1 रहेगी। अगर ये मास्टर मोड में है, अगर 8259 मास्टर मोड में है, तो मास्टर मोड का जो इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड 3 है वो क्या होता है, ये अगर सारे 1 है तो इट इंडिकेट्स स्लेव इज प्रेजेंट ऑन दैट इंटरप्ट। यानी अगर मास्टर में इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड 3 में ये सारे बिट्स 1 है, अगर ये बिट्स 1 है, ये बिट्स अगर 1 है इन मास्टर मोड में, अगर यहाँ पे दिखाया गया है कि D7 या ये 1 है तो इट इंडिकेट्स कि यहाँ पे स्लेव अवेलेबल है, D7 पिन पे इसलिए स्लेव अवेलेबल है, D6 पिन पे IR6 बोल सकते हैं स्लेव अवेलेबल है, या यहाँ पे 0 है, 0 है तो अभी यहाँ पे स्लेव अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे स्लेव अवेलेबल नहीं है। जहाँ पे भी 1 है वहाँ पे वो इंडिकेट करता है कि उस पर्टिकुलर पिन पे क्या है, स्लेव अवेलेबल है। यानी जरूरी नहीं है कि अगर हम मास्टर और स्लेव में यूज कर रहे हैं तो मास्टर के सारे स्लेव में, मास्टर के सारे इंटरप्ट लाइंस में स्लेव कनेक्टेड हो, 8259 स्लेव कनेक्टेड हो, जरूरी नहीं है। हम कुछ पिंस को कनेक्ट करेंगे, कुछ को नहीं करेंगे, तो ये इंडिकेट करता है ICW3 कि कहाँ कनेक्टेड है और कहाँ कनेक्टेड नहीं है। फिर ये दूसरा है स्लेव मोड में ये क्या इंडिकेट करता है, स्लेव मोड में क्या इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे स्लेव मोड में ये जो पिंस है ये तो बिट सारे 00 रहेंगे, यानी D7 D6 D5 D4 D3 ये सारे 0 करने हैं, और ये जो है ID1 ID2 एंड ID3 ये स्लेव मोड में क्या इंडिकेट करता है। तो ID1 ID2 ID3 इन द स्लेव, दीज आर स्लेव आइडेंटिटी नंबर, ये क्या इंडिकेट करता है, स्लेव आइडेंटिटी नंबर। यानी अगर यहाँ पे तीनों भी 000 है तो ये इंडिकेट करता है स्लेव नंबर 0, अगर यहाँ पे है 001 तो ये इंडिकेट करता है स्लेव नंबर 1, ये इंडिकेट करता है स्लेव 2, अगर यहाँ तीनों बिट्स 111 है तो ये इंडिकेट करता है इट इज स्लेव नंबर 7। यानी ID3, ID2 एंड ID1 इज अ स्लेव ID नंबर, आइडेंटिटी नंबर है, हर एक को अपना एक नंबर है। जो IR0 को स्लेव कनेक्टेड होगा उसका आइडेंटिटी नंबर क्या होगा, 000 होगा। जो IR1 में कनेक्टेड होगा उसका स्लेव आइडेंटिटी नंबर क्या होगा, 001 होगा। जो IR7 में कनेक्टेड होगा उसका आइडेंटिटी नंबर क्या होगा, तो 111 होगा। तो हर एक स्लेव को अपना एक आइडेंटिटी नंबर है, और ये जो ICW3 है दैट विल होल्ड द स्लेव आइडेंटिटी नंबर। नो इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड 4, ये है लास्ट इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड। अब इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड 4 में ये A0 पिन जो है, ये एड्रेस 0 पिन है, अगेन ये क्या रहेगी, 1 पे रहेगी। अब देखते हैं 1 by 1 What it is? सबसे पहले देखते हैं कि पिन नंबर D0 क्या है। तो ये इंडिकेट करता है मोड, यानी अगर आपका 8259 8085 के साथ कनेक्ट किया गया है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और अगर 8086 के साथ कनेक्ट किया गया है तो यहाँ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सिंपल, अगर 85 के साथ कनेक्ट करना है तो 0 होगा, और अगर 86 के साथ कनेक्ट करना है तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है, AEOI एंड ऑफ इंटरप्ट, इट इंडिकेट्स एंड ऑफ इंटरप्ट। जैसे कि किसी भी डिवाइस ने इंटरप्ट कर लिया, उसके बाद माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है कि उस डिवाइस का इंटरप्ट एग्जीक्यूट करने के लिए जाता है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट करने के लिए जाता है। लेकिन जब सारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लिया है तब उसे वापस भी जाना है, तो प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा कि ये प्रोग्राम जो डिवाइस का है वो खत्म हो चुका है, सारे इंस्ट्रक्शंस खत्म हो गई है। तो एक उसके लिए एंड ऑफ इंटरप्ट कमांड होती है, तो उसके लिए ये बिट यूज होता है। इफ इट इज 1 देन ऑटो एंड ऑफ इंटरप्ट होता है उसमें, और अगर ये बिट 0 है तो नॉर्मल एंड ऑफ इंटरप्ट होता है। अब ये है मास्टर स्लेव, अगर ये बिट 1 है तो समझ लो वो पर्टिकुलर जिस भी 8259 का ये ICW4 है
जिस भी 8259 का ये पर्टिकुलर इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड 4 आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, अगर ये बिट 1 है इसका मतलब वो मास्टर में ऑपरेट हो रहा है, वो पर्टिकुलर 8259 मास्टर में ऑपरेट हो रहा है, और अगर ये बिट 0 है दैट इंडिकेट्स कि वो 8259 स्लेव में ऑपरेट हो रहा है। या फिर ये सोचिए अगर एक पर्टिकुलर 8259 में स्लेव मोड में कनेक्ट किया गया है तो उसके IC4 में D2 बिट जो है वो 0 होना चाहिए, और अगर 8259 किसी सिस्टम में मास्टर मोड में ऑपरेट हो रहा है तो उस पर्टिकुलर 8259 का ICW4 जो है वो 1 होना चाहिए। तो 1 है तो मास्टर मोड में और स्लेव है तो 0 है तो स्लेव मोड में। नेक्स्ट है SFNM, यानी दिस इज फॉर स्पेशली फुल्ली नेस्टेड मोड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 8259 ऑपरेट्स इन डिफरेंट मोड्स, तो इसी के बारे में है ये, दिस इज स्पेशली फुल्ली नेस्टेड मोड। अगर ये 1 है, ये बिट पोजीशन 1 है, तो ये जो 8259 है ये स्पेशली फुल्ली नेस्टेड मोड में ऑपरेट होंगे, और अगर ये बिट 0 है, ये प्रायोरिटी मोड्स होते हैं कि IR0 को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा या IR7 को मिलेगा या बीच वाले को मिलेगा, तो उसके लिए 8259 में डिफरेंट मोड सेट किए गए हैं। लेकिन अगर ये बिट पर्टिकुलरली 1 है तो ये एंटर हो जाता है, वो पर्टिकुलर 8259 एंटर हो जाता है इन स्पेशल फुल्ली नेस्टेड मोड में, और अगर 0 है तो हो जाएगा फुल्ली नेस्टेड मोड में। तो ये डिफरेंट मोड्स है, एक स्पेशल फुल्ली नेस्टेड मोड और सिर्फ फुल्ली नेस्टेड मोड, दे डिफरेंट टाइप ऑफ मोड्स है। ये जानने के लिए आपको डिटेल में पढ़ना होगा व्हाट आर द मोड्स ऑफ 8259। फिर नेक्स्ट है BUF। अगेन इफ दिस बिट इज 0 तो इसका मतलब ये नॉन बफर्ड मोड में ऑपरेट हो रहा है, और अगर ये 1 है तो ये बफर्ड मोड में ऑपरेट हो रहा है, वो पर्टिकुलर 8259 बफर्ड मोड में ऑपरेट हो रहा है। अब ये हो गए, हमने पढ़ लिए हैं इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड 1, 2, 3, 4। अब आते हैं ऑपरेशनल कमांड वर्ड। अब ये इट इज ऑल अबाउट ऑपरेशनल डिटेल्स कि कैसे ऑपरेट करता है 8259। अभी ये ऑपरेशनल कमांड वर्ड 1 है, इट इज यूज टू मास्क एंड अनमास्क IR0 टू IR7। अब ये 8259 की इच्छा होगी कि उसके भलाई IR0 टू IR7 में 8 डिवाइसेस कनेक्ट किए गए हैं, सारे के सारे 8 डिवाइसेस उसको ये जो 8259 है इसमें 8 IR0 टू IR7 पिन में 8 डिवाइसेस कनेक्ट किए गए हैं, लेकिन 8259 कैन डिसाइड कि मैं किसको किसका इंटरप्ट आगे मुझे सेंड करना है प्रोसेसर को, या किसका यहाँ यानी IR0 से आया है तो मुझे करना है, और IR1 से आया है तो मुझे नहीं करना है, फिर IR2 से आया तो मुझे नहीं एक्सेप्ट करना है, फिर IR3 से आया तो मुझे करना है। तो अगर इसको पास नहीं करना है तो उसको बोलते हैं मास्क करना, अवॉइड करना। जैसे कि हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं जिनका फ़ोन लेना हमें पसंद नहीं है, उनके साथ बात करना पसंद नहीं है, तो हम उनको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मास्किंग, मास्क करना यानी ब्लॉक कर देना। या तो फिर किसी के साथ बात करना पसंद है तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे, तो सेम इज फॉर मास्क एंड नो मास्क। तो 8259 में भला ही 8 डिवाइसेस यहाँ पे पिंस पे कनेक्ट किए गए हैं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट 8259 विल एक्सेप्ट द इंटरप्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल द डिवाइसेस। ही कैन ईदर एक्सेप्ट ऑल और रिजेक्ट ऑल, और कैन एक्सेप्ट सम और रिजेक्ट सम। तो इट इज बेस्ड ऑन ऑपरेशनल कमांड वर्ड 1। अगर ये बिट, ये उसके लिए ऑपरेशनल कमांड वर्ड ये भी रजिस्टर है 8 बिट का, D0 टू D7 बिट से, इसमें A0 क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और अगर ये 1 है, या अगर 1 है M7 1 है तो ये क्या हो जाएगा, मास्क हो जाएगा, और जहाँ पे भी 0 है ये क्या हो जाएगा, नो मास्क हो जाएगा, यानी अवॉइड करना है। अगर अवॉइड करना है यानी IR1 अवॉइड करना है, सपोज IR2 अवॉइड करना है, मास्क करना है, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, IR1 IR2 यानी ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और अगर वन होना चाहिए, मास्क करना है तो 1 होना चाहिए, और अलाउ करना है तो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी चॉइस है, जैसे यहाँ पे M7 1 है यानी IR7 क्या है, मास्क है, यानी यहाँ से ये एक्सेप्ट नहीं करेगा,
फिर एम सिक्स क्या है, वन है, एम सिक्स वन है यानी एम सिक्स भी क्या है, मास्ट है, तो यहाँ से भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर एम फाइव भी वन है तो यहाँ का भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर एम फोर क्या है, जीरो है, जीरो यानी नो मास्क, यानी यहाँ से आया हुआ ये जो आया आर फाइव से आया हुआ जो भी है, ये आई आर फोर से आया हुआ जो इंटरप्ट है ये एक्सेप्ट करेगा और पास करेगा टू माइक्रो प्रोसेसर। तो ये मास्क एंड अनमास्क करने के लिए है इंडिविजुअल डिवाइसेस और इंडिविजुअल थिंग्स। अब दूसरा है ऑपरेशनल कमांड वर्ड टू। ऑपरेशनल कमांड वर्ड टू में देखते हैं, सबसे पहले ये थ्री बिट्स है L1, L2, L3। ये D3 और D4 हमेशा 0-0 रहेंगे, A0 हमेशा 0 रहेगा। D5, D6, D7 का कॉम्बिनेशन है ये, यहाँ पे R, SL एंड एंड ऑफ इंटरप्ट। ओके, सो R stands for rotate एंड EOI stands for end of interrupt. ओके, सो लेट्स सी हाउ इट works. अब यहाँ पे L1, L2, L3 ये किस लिए है, तो ये IR level to be acted upon, यानी ये particularly for selecting IR level. यानी जैसे IR0 टू IR7 8 पिंस है, 8 पिंस को हम लोग 8 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये चूज करेगा वो पर्टिकुलर इंटरप्ट पिन और इंटरप्ट लाइन। सपोज ये यहाँ पे देख सकते हो आप, तीनों बिट्स 0 है, तीनों बिट्स 0 है, यानी इसने सिलेक्ट कर लिया है IR0। अब यहाँ पे ये सपोज कॉम्बिनेशन RSL और EOI का सपोज 011 है, 011 है, यानी टेबल में यहाँ पे कहाँ है 011, यहाँ है, आप देखिए यहाँ पे है 011, तो ये कौन सा मोड में चला जाएगा, इट विल सिलेक्ट मोड ऑफ स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट कमांड। यानी मैं ऑटोमेटिकली ये जो IR0 से आया हुआ इंटरप्ट, ये जो IR0 है उसको एंटर कर देगा इन स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट कमांड। अगर सपोज यहाँ पे दूसरा डेटा हमने एंटर कर दिया, सपोज यहाँ पे 001 है, 001 इंडिकेट्स योर IR1, और यहाँ पे हमने कर दिया है सपोज 111, यहाँ पे अगर 11 है, 111 यानी रोटेट ऑन स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट कमांड, तो अगर ये 001 है, 001 यानी IR1, और यहाँ पे 111 है यानी ये रोटेट ऑन स्पेसिफिक AOI कमांड यानी IR1 जो है वो चला जाएगा ऑन रोटेट ऑन स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट कमांड मोड में। यानी अगर आपको किसी और इनपुट को अगर रोटेट ऑन स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट कमांड में एंटर करवाना है, सपोज IR7 को करना है, अगर आपको IR7 को करना है, अगर यहाँ पे IR7 को करना है तो इसका मतलब यहाँ पे बिट्स क्या चाहिए, 11 चाहिए, तो आपको यहाँ भी एंटर करना है 1 और यहाँ भी एंटर करना है 1, ये हो जाएगा 111, ये सिलेक्ट करेगा IR7 और ये। या फिर अगर IR7 में आपको किसी और मोड में डालना है, सपोज इस मोड में डालना है रोटेट इन ऑटोमेटिक एंड ऑफ इंटरप्ट कमांड मोड सेट, तो ये आपको वहां पे कर डालना होगा यहाँ पे 1, 0 एंड 0। यानी ये कॉम्बिनेशन में वर्क करता है, ये जो थ्री बिट्स है ये सिलेक्ट कर रही है आपके कौन से IR के लिए आप कर रहे हो, और ये थ्री बिट्स डिसाइड कर रही है कि कौन से मोड में आप वो पर्टिकुलर IR सेंड कर रहे हो या सेट कर रहे हो। नेक्स्ट है ऑपरेशनल कमांड वर्ड 3। ये हमारा लास्ट ऑपरेशनल कमांड वर्ड है, इसमें A0 जो है वो 0 रहेगा, D7 बिट जो है वो डोंट केयर है, या तो आप इसको 0 ले लीजिए या तो फिर उसको 1 ले लीजिए। यहां से हम स्टार्ट करते हैं, ये है RIR एंड RIS। इट इंडिकेट विच रजिस्टर टू बी रीड इन नेक्स्ट रीड पल्स, यानी नेक्स्ट रीड पल्स जो आएगा, माइक्रोप्रोसेसर जो रीड माइक्रोप्रोसेसर रीड पल्स किस लिए सेंड करेगा, क्योंकि उसको रीड करना है कुछ तो, या रीड करना है। अब माइक्रोप्रोसेसर 8259 को रीड पल्स सेंड कर रहा है, यानी माइक्रोप्रोसेसर को 8259 से कुछ तो कोई तो रजिस्टर रीड करना है, तो कौन सा रजिस्टर रीड करना है, तो वो कौन डिसाइड करेगा, ऑपरेशनल कमांड वर्ड 3 के इस पर्टिकुलर रजिस्टर ये वर्ड के ये दो बिट्स डिसाइड करेंगे। तो अगर ये 0 है, सपोज दिस इज 0 एंड दिस इज डोंट केयर यानी ये 0 भी हो 1 भी है तो कोई एक्शन ही नहीं होगा, यानी एक्शन होने के लिए ये बिट 1 होना जरूरी है। अगर ये 1 है और ये 0 है, अगर
ये बिट 1 है और यहाँ पे ये बिट 0 है, तो और उसके बाद अगर कोई भी माइक्रोप्रोसेसर रीड पल्स भेजता है 8259 को, इसका मतलब माइक्रोप्रोसेसर को रीड करना है आईआर रजिस्टर जो है 8259 में, उसको रीड करना है आईआरआर रजिस्टर, ओके, इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर, उसको रीड करना है इन नेक्स्ट रीड पल्स, यानी जब भी रीड पल्स आएगी वो इंडिकेट करेगा कि प्रोसेसर को आईआर रजिस्टर रीड करना है। उसी जगह अगर ये दोनों बिट्स 1 है, यानी ये भी 1 है और सपोज ये भी 1 है, तो दोनों अगर 1 है तो इंडिकेट करता है कि नेक्स्ट जो रीड पल्स आएगी तब माइक्रो प्रोसेसर को ISR रजिस्टर, इन सर्विस रजिस्टर के कंटेंट्स रीड करना है, क्योंकि माइक्रोप्रोसेसर 8259 में 3 रजिस्टर्स है, जैसे मैंने पहले ही स्लाइड में बोला है, वहाँ पे इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर है, इंटरप्ट मास्क रजिस्टर है और इन सर्विस रजिस्टर है। तो अगर ये दो बिट्स 10 है, इसका मतलब नेक्स्ट रीड पल्स में 886 को इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर रजिस्टर के कंटेंट्स रीड करने हैं, और अगर ये 11 है, इसका मतलब प्रोसेसर को इन सर्विस रजिस्टर के कंटेंट्स रीड करने हैं। ये है पोल कमांड, यानी पोल मोड में चला जाएगा। 8259 ऑपरेट्स इन पोल मोड, ये वन ऑफ द प्रायोरिटी मोड है। पोल मोड यानी एक होता है, अभी दो टाइप के मोड्स होते हैं, जैसे आप कोई भी से व्हाट्सएप या कोई भी मैसेजेस, आप जैसे टिक बजा तो आप देखते रहते हो, टिक बजा तो आप देखते रहते हो, तो ये क्या हो गया है कि ये हो गया पोल मोड में, यानी यू आर कंटिन्यूअसली चेकिंग। या तो दूसरा एक होता है, जब तक नहीं बचता है रिंग तब तक आप नहीं देखते हो, यानी जब तक कॉल नहीं आएगा तब तक आप फोन की तरफ देखोगे भी नहीं, तो ये एक दूसरा मोड हो गया। लेकिन पोलिंग मोड किसको बोलते हैं, जब आप कंटिन्यूअसली चेक करते रहते हो कि कोई आया है, किसी का फोन आया है, किसी का मैसेज आया है, आ रहा है, ये अगर कंटिन्यूअसली चेक करते हो तो उसको बोलते हैं पोल मोड। इस तरह प्रोसेसर भी 8259 भी पोल मोड में यूज होता है, वो कंटिन्यूअसली चेक करता रहता है कि आया है डिवाइस से इंटरप्ट, आया है डिवाइस से इंटरप्ट आया है, तो कंटिन्यूअसली चेक करने वाले मोड को बोलते हैं पोल मोड। तो अगर ये बिट जीरो है, सॉरी ये बिट अगर जीरो है तो ये नो पोल मोड में चला जाएगा, और अगर ये 1 है तो ये पोलिंग मोड में चला जाएगा। OCW3 का D3 बिट हमेशा 1 रहेगा और D4 बिट हमेशा 0 रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं होंगे, फिक्स बिट्स है। अब ये दूसरे बिट्स है जो है रीसेट स्पेशल मास्क और सेट स्पेशल मास्क के लिए। अगर ये 0 और ये डोंट केयर है, यानी 0 है या 1 है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर ये बिट 1 है और ये बिट 0 है तो ये क्या करेगा, रीसेट करेगा स्पेशल मास्क, यानी जो मास्किंग और अनमास्किंग की एबिलिटी है उसको कम्प्लीटली रीसेट कर देगा। और अगर ये 11 है तो ये क्या कर देगा, स्पेशल मास्क को सेट कर देगा। तो इट वॉज ऑल अबाउट इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड्स एंड ऑपरेशनल कमांड वर्ड्स ऑफ 8259। लेकिन ये समझने के लिए आपको 8259 का डिटेल रजिस्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, 8259 सिंगल मोड में कैसे ऑपरेट होता है, कैस्केड मोड में कैसे ऑपरेट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर 8259 8086 के या किसी भी माइक्रो प्रोसेसर के साथ इंटरफेसिंग में कैसे कम्युनिकेट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। और 8259 के आपके प्रायोरिटी मोड्स आपको पता होने चाहिए। और ये सब कुछ अगर आपको पता है तभी आपको ये जो वीडियो है बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज बहुत सारी जो चीजें है वो आपको न्यू लगेगी, अननोन लगेगी या फिर रिलेवेंट नहीं लगेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।